बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पीच पाई की रेसिपी। आजकल पीचेस जो हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं और ये डेज़र्ट जो है बहुत ही डिलीशियस एक डेज़र्ट है जो कि आइसक्रीम के साथ सर्व किया जाता है और इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आइए हम चल के बनाते हैं पीच पाई। वेलकम टू मास्टर शेफ किचन। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें। सबसे पहले हम पाई की डो रेडी करेंगे। डो के लिए आपको 2.5 कप मतलब 2.5 कप जो है वो मैदा चाहिए होगा। इसको आपने अच्छी तरह से छान लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर शुगर जाएगी और 3 टेबल स्पून इसमें वेजिटेबल ऑयल, जो हम घर में यूज़ करते हैं वही ऑयल लिया है मैंने। इन सारी चीज़ों को पहले आपने अच्छी तरह से मिला लेना है, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कप होममेड बटर ऐड किया है। बटर बनाने की जो रेसिपी थी घर पे वो मैंने आपको सिखा दी थी, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये देखिए, बटर को सबसे पहले आपने मैदे के अंदर अच्छी तरह से कोट कर लेना। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड करना है और 1/4 कप मतलब 1/4 कप जो है आपने इसके अंदर ठंडा पानी यूज़ करना है। ठंडा ही यूज़ करना है आपने, गर्म पानी यूज़ नहीं करना या नॉर्मल भी यूज़ नहीं करना, ठंडा ही यूज़ करना है। अच्छी तरह से आपने डो को गूंद लेना है और मैंने जो है इसे क्लिंग फिल्म पर जो है निकाल लिया था डो को। और इसको देखें आप, मैंने इसको इतनी अच्छी इसकी जो है बटर की लेयर्स आ जाती हैं इसके अंदर, इस पाई की जो क्रस्ट है उसके ऊपर। तो डो इस तरह से हमारी रेडी हो जाएगी। आपने इस पे जो है इस तरह से क्लिंग फिल्म लगाना है और इसको आपने तकरीबन कम से कम जो है वो 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, अगर आप नेक्स्ट डे से यूज़ करना चाहें तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो 1 घंटा तो कम से कम है। उसके बाद आपने 3 जो है आड़ू लेने हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के। जितना अच्छे आपके आड़ू होंगे उतना ही अच्छी आपकी पाई बनेगी। तो देखिए, इस तरह से पहले आपने एक पूरा कट लगाना है राउंड में और फिर साइड साइड से आप इसको इस तरह से कट करते रहेंगे और बहुत अच्छे इस तरह से आपके शेप में जो है वो पीच कट हो जाएंगे। देखिए, इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट इसकी कटिंग सिखाई है। इस तरह से बहुत इजीली ये कट जाते हैं। तो तीनों जो हैं पीचेस को मैं इसी तरह से काट लूँगी। तो देखें, सारे पीचेस जो थे वो काट लिए थे मैंने। अब आपने इसके अंदर 1/4 कप शुगर, 1/8 कप जो है वो ब्राउन शुगर इसके अंदर ऐड करनी है। साथ में इसके अंदर हम डालेंगे लेमन जूस, 2 टेबल स्पून तकरीबन जो है वो लेमन जूस आपने इसके अंदर यूज़ करना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर 1/4 कप कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। सारी चीज़ों को आपने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें, इस तरह से ये हमारी जो इसकी फिलिंग है पीच फिलिंग वो रेडी हो जाएगी। ये रेडी हो गई है। अब आपने डो को 1 घंटे के बाद फ्रिज से लेना है और अब उसको दो पार्ट में आपने डिवाइड करना है, एक अपर पोर्शन के लिए और एक जो है बेस लेयर के लिए। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डो को आपने अच्छी तरह से बेल लेना है। सरफेस को जो है आपने अच्छी तरह से इस पर फ्लावर लगा लेना है ताकि डो जो है उस पर चिपकती नहीं है। इस तरह से आपने एक रोलिंग पिन लेना है, उस पर डो को इस तरह से फोल्ड करना है और एक पाए की जो हमारे पास एक ट्रे है उस पर आपने इस तरह से उसे डाल देना है। अब आपने हैंड से ही जो है इसको प्रेस कर देना है डो को चारों कॉर्नर्स पर, इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद जो फिलिंग हमने रेडी की थी पीच की बहुत ही मज़े की बनी है और वो आपने इसके अंदर इस तरह से सेंटर को पूरा फिल कर देना है सारी फिलिंग से। ये देखें, ये डन हो गया है इस तरह से। और अब इसको जो है हम साइड पर कर देंगे और जो रिमेनिंग हमारी डो थी जिसका हमने इसकी ऊपर लेयर अपर लेयर पर जो है इसे लगाना था, उसको देखें इस तरह से आपने करना है। और ये देखें, मैंने जो है पिज़्ज़ा कटर लिया है, उसकी हेल्प से मैंने इस तरह से आपने स्ट्रिप्स काट लेनी है। और अब जो है इसका हम लैटिस टॉप बनाएंगे जो पाए के ऊपर होता है, बहुत इजी होता है। सबसे पहले जो है हमने इस तरह से आपने सिंपल जो है स्ट्रेट लेयर्स लगानी है सारी।
5 जो है इस तरह से मैंने लेयर्स लगाई हैं। इसको आपने थोड़ा सा इसकी जगह चेंज डायरेक्शन चेंज करनी है, और उसके बाद जो पहली 3 थी उनको हमने उठाया और इस तरह से एक पार्ट रखा। ये इजीली समझ में आ जाता है, आप अगर वीडियो को गौर से देखेंगे तो आप भी इसको बहुत इजीली बना सकेंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसको किया है, और उस साइड से अब हमने 2 जो थी उनको उठाया है, और अब देखिए यहाँ पे 3rd आ गई। इसी तरह से 5 या 6 जो हैं इस तरफ बनेंगी, दोनों साइड्स पे जो हैं वो 5-5 हमने लगाई हैं, और जो साइड पे जो एक्सेसिव जो डो थी उसको आपने नाइफ की हेल्प से कट कर देना है। तो देखें ये ऊपर से जितनी भी एक्सेसिव थी उसको भी नाइफ से, तो एक बहुत ही क्लीन लुक आ जाएगा पाई का। और कॉर्नर्स को जो है आपने हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि वो बिल्कुल एक क्लीन लुक आए। देखें पाई हमारे बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर एग वॉश करना है, आपने एक अंडे को बीट करना है और इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। तो जी अब एग अप्लाई करने के बाद आपने इसके ऊपर ब्राउन शुगर जो है उसे स्प्रिंकल कर देना है, और इसे हम बेक करने के लिए रखेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर 70 मिनट्स के लिए। तो जी जो रिमेनिंग मेरी डो बची थी उसको मैंने दोबारा से जो है वो बेल कर, और इस तरह से मैंने एक पैन लिया है और उसके ऊपर डो को इस तरह से डालना है जैसे फर्स्ट वाले के लिए प्रोसीजर किया था। इसको प्रेस कर देंगे, और नाइफ की हेल्प से जितने कॉर्नर्स थे उनको आपने कट कर देना। अब इसमें भी जो है मिडिल में आपने सारी जो हमने पीच फिलिंग बनाई थी वो आपने डालनी है। और ये जो रिमेनिंग डो बची थी इसको आपने इसके जो है हम स्टार्स बनाएंगे। एक स्टार कटर मैंने लिया है, उसकी हेल्प से स्टार्स बनाएंगे और इस तरह से फिलिंग के ऊपर रख देंगे। डिफरेंट डिफरेंट जो है डेकोरेशंस होती हैं पाई के लिए भी, तो आपको जैसी अच्छी लगे आप वैसी कर सकते हैं। तो देखें स्टार कटिंग करके मैंने इस तरह से सारे इसके ऊपर स्टार्स बना लिए थे। तो देखें ये वाली पाई भी जो है हमारी रेडी हो गई है, और इस पर भी जो है आपने एग वॉश करना है, एग अप्लाई कर देना है, उसके बाद इसके ऊपर ब्राउन शुगर आ जाएगी, और इसको भी जो है आपने 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक करना है। लेकिन ये थोड़ी जल्दी बेक हो जाएगी, ये तकरीबन जो है 50-60 मिनट्स में आपकी ये वाली पाई बेक हो जाएगी। तो जी ये देखें ये बेस्ट जो है दोनों पाई वो हमारी रेडी होकर आ गई हैं, बेक इतनी परफेक्टली हुई हैं ये, और बहुत ही अच्छा इनके जो है वो टॉप पर कलर आया है। इसी तरह से आपने दोनों को बेक करना है, और इन्हें आपने ठंडा कर लेना है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं पाई को थोड़ा वॉर्म ही सर्व करते हैं, लेकिन मुझे जो है वो थोड़ी ठंडी पसंद है, तो मैंने इन्हें अच्छे से ठंडा कर लिया था और उसके बाद हमने जो है इसकी कटिंग की थी। ये देखें इस तरह से ठंडे करने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है, बहुत ही अच्छी और परफेक्ट इंशाल्लाह आप लोगों की भी ये बनेगी। और इसका क्रस्ट जो है अंदर की फिलिंग जो है वो इतने अच्छे बनते हैं दोनों चीज़ें ही, आप लोगों ने इसको इसी तरह से ट्राई करना है। ऊपर वेनिला आइसक्रीम का एक स्कूप ले लेंगे, साथ में ऊपर चॉकलेट सॉस जो है वो ड्रिजल कर देंगे, और ये परफेक्ट जो है हमारा डिज़र्ट रेडी हो जाएगा। बिल्कुल है परफेक्ट, और बहुत ही मज़े का जो है ये बना था। तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, जो डो है और उसके अलावा जो पीच फिलिंग है और वेनिला आइसक्रीम, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर एक बहुत अच्छा एक परफेक्ट कॉम्बो बनता है। तो आप लोगों ने भी जो है इसी तरह से इस रेसिपी को ट्राई करना है, और मुझे इसका फीडबैक देना है कि आप लोगों को ये कैसी लगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मुझे हमेशा दुआओं में याद रखें, रेसिपी जो होती है रिटन वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज़।
अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें।